नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ से जिसकी शुरुआत 133 साल पहले हुई थी। हम बात कर रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की। तो आइए मिलवाते हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर आर देश पांडे जी से। दोस्तों अगर हम किर्लोस्कर की बात करें तो किर्लोस्कर फार्म मैकेनाइजेशन में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, साथ ही में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नए नए आविष्कार भी किए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर आर देश पांडे जी का और जानते हैं इनसे इनके बारे में और इनकी कंपनी के बारे में। सर आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किर्लोस्कर की जो नींव रखी गई थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। 1888 में जो हमारे फाउंडर है जो लक्ष्मण राव किर्लोस्कर जी, उन्होंने ये किर्लोस्कर इंडस्ट्री चालू किया और उनका पहला प्रोडक्ट किसानों के लिए ही था, क्योंकि उस टाइम किसानों का जो जीडीपी का जो योगदान है वो 70% था। एंड जो काम करते थे तो किसानों के लिए करते थे, तो पहला प्रोडक्ट लोहे का हल था जी। जो पहले लकड़ी का था, उन्होंने लोहे का क्यों किया, क्योंकि लकड़े का हल टूटता था तो बहुत दिक्कत आती थी किसानों को। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसके लिए लोहे का हल तैयार किया जो सालों साल चला। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ गई। तो जैसे उन्होंने ये चालू किया तो फिर उसके बाद पंप आया, तो पानी के लिए पंप चाहिए क्योंकि बिजली नहीं थी, तो डीजल इंजन पंप आया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ किया, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर ये कृषि प्रधान देश है तो उनके लिए जो हमारे किसान भाई है उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसके हिसाब से आज तक किर्लोस्कर ने किसानों के लिए सब नए नए जो प्रोडक्ट लाए, उसमें ट्रैक्टर भी लाया था 1970 में जी। तो उसके बाद में फिर ऐसा है कि अभी ये जो पावर टिलर आप देख रहे हैं वो 4 साल से हमने लाए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, किसानों की रिक्वायरमेंट बदलती गई, तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट नए नए लाए। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहला जो लोहे का हल है वो किर्लोस्कर निकाल के लाई थी किसानों के लिए। Correct. आविष्कार जो है वो लोहे के हल का आप लोगों ने ही किया था। सर इसके अलावा जो है वो कुछ आपके प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत यूनिक हैं और आविष्कार जिसके लिए बहुत सारे इनोवेशंस वगैरह भी आपने किया है, उसके पीछे भी एक कहानी है कि किसानों R&D में जो है वो किसान भी शामिल होते हैं, उसके बारे में बताइए, उस प्रोडक्ट के बारे में और उसके पीछे की कहानी के बारे में। जरूर, आई एम रियली हैप्पी कि जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो प्रोडक्ट है किसान, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों को क्या चाहिए ये अगर समझना है तो उनके पास जाना पड़ता है। तो हम लोग किसानों के लिए मिलते हैं, जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आज आज आज, आज आपका पेन पॉइंट क्या है, आप कहाँ आपको दर्द होता है। तो ये जब हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आजकल खेतों में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं, और जो फसल आती है उसके लिए अगर कुछ करना है तो ऐसे मैकेनाइजेशन किया जाए जो हमको परवड़ता है, अगर जो अफोर्डेबल जो है वो अगर हमको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो हमको चाहिए। तो जब हम गए थे फील्ड में तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि आज ट्रैक्टर वाले बहुत है, देर आर मीन्स 30 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर इंडिया में है, भारत देश में 30 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, बट ऐसे छोटे छोटे खेत, बिकॉज ऐसे ना कि जैसे इतने सालों में जो बड़ा खेत था वो अभी जनरेशन के बाद छोटा छोटा हुआ, तो 5 एकड़ 3 एकड़ ऐसे है, तो उनके लिए उनको परवड़ता नहीं है ट्रैक्टर। तो उन्होंने हमको बोला कि हमको ऐसा एक औजार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए कि जो ट्रैक्टर का जैसे काम भी करे और ट्रैक्टर के अलावा दूसरे मेरे को जो फार्म में जो जो काम पड़ते हैं वो सब मेरे को एक ही मशीन ने करने चाहिए। और ये जब हमने देखा तो हमने बोला ठीक है, तो हम आपको प्रोडक्ट बनवा के देते हैं, और करके ये पावर टिलर का प्रोडक्ट का आविष्कार हो गया। सर जनरली जो है वो अगर हम ट्रैक्टर की बात करें
तो जो उसका बजट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो खासकर छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो किर्लोस्कर ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया, उसके बारे में बताइए और मिनिमम रेंज क्या है मशीन का? कैसे है, ट्रैक्टर जो आता है तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में 30 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, 30 हॉर्स पावर से 50 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर मिलते हैं। बट क्या होता है कि उनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो उनके बजट में नहीं बैठता, और ये किसान फिर क्या होता है कि फिर से ही उनके जो पुराने जो प्रैक्टिसेस है उनसे वो काम करवा के लेते हैं। बट जब हमने देखा कि ये पावर टिलर जो है उनकी रिक्वायरमेंट पावर टिलर में बैठती है, तो हमने सोचा कि पावर टिलर उनके लिए आविष्कार किया जाए जो उनको पैसे में बैठेगा, उनके अफोर्डेबल रहेगा, एंड एट द सेम टाइम जो उनके जो तरह तरह के जो काम है वो भी इसने करना चाहिए, और उसके लिए हमारा जो इनपुट, उनको जो इनपुट आया उसके हिसाब से फिर हमने ये प्रोडक्ट बनाया। सर, आपसे जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि किर्लोस्कर में आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। दोस्तों आज हम आपको मिलवा रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मिस्टर RR देश पांडे जी से, जिन्होंने हमें बताया कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए किर्लोस्कर क्या क्या काम कर रही है और इनकी कौन कौन सी मशीन्स किसानों के लिए इन्होंने आविष्कार किए हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मेरे ख्याल से 42 to 43 ईयर्स हो गए हैं आपको किर्लोस्कर में। फर्स्ट आपका एज अ ट्रेनी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था, ग्रेजुएट ट्रेनी, और उसके बाद आप यहीं पे हैं, तो वो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। 2 जुलाई 1977 में मैंने यहाँ पहला कदम रखा। डायरेक्ट जब मैं पास आउट हुआ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, बी मैकेनिकल मैंने किया, तब जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे SL किर्लोस्कर जो सेकेंड जनरेशन है, लक्ष्मण राव किर्लोस्कर के बेटे जी, तो वो काम देखते थे, उनका नाम बहुत था, और उन मीन्स आज भी उनको डॉयन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बोलते हैं, तो उनका आइडॉल करके ऐसा परिचय था। तो मैंने बोला कि उनके कंपनी में मैं काम करूँगा, पुणे में ही कंपनी है, पुणे से ही पास आउट हुआ था। तो जब मैं आया यहाँ पे, इधर का वातावरण देखा, फिर मैंने बोला ये अच्छा है करियर के लिए, तो मैं ट्रेनी इंजीनियर से धीरे धीरे नए नए उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। ये कंपनी किसानों के लिए काम करती है और नए नए प्रोडक्ट बनाती है, वो देख के मैंने भी सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा कंपनी है और मैं यहाँ मेरा करियर करूँगा, करके मैंने यहाँ शुरुआत की। मेरे को अच्छे अच्छे चैलेंजेस दिए गए और वो चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद मेरी तरक्की भी यही कंपनी में हुई, और मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ आज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हूँ। तो लोएस्ट लेवल से चालू करके मैं आज नंबर वन पोजीशन पे हूँ, तो ये मेरे सब मेरे कलीग्स, मेरे जो जितने सीनियर्स थे उन्होंने जो मेरे को जो सिखाया वो सब करके, और संतोषराव किर्लोस्कर साहब से भी काम किया है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। जी सर, उसके अलावा जो है वो अगर हम किर्लोस्कर की बात करें तो किर्लोस्कर का मेन एम क्या है, आप लोग अगर मतलब विज़न हम जानना चाहते हैं कि किर्लोस्कर का विज़न किसानों को लेकर क्या है? ऐसा है कि किसानों के जो आज जितने प्रॉब्लम पॉइंट है, जितना उनका दर्द पॉइंट है, वो सब देख के हमने फिर हमारा विज़न ऐसा किया है कि हम अगले 5 साल में एटलीस्ट 50 मिलियन 5 करोड़ फार्मर्स के लिए हम हमारा प्रोडक्ट और उसका सर्विस हम देंगे। तो उसके लिए 15 हॉर्स पावर का, 12 हॉर्स पावर का ऐसा पावर टिलर, 8 हॉर्स पावर का और 5 हॉर्स पावर का वीडर और यूनिवेटर, ऐसे नए नए जो औजार है वो हमने जो आविष्कार किए वो हमने तैयार किए, क्योंकि उनकी वो ज़रूरत है और अफोर्डेबल प्राइस में मिलना उनका, मैं बोला कि हक है, और उसके लिए हमने हमारे जो R&D है वो उसके लिए काम करती है कि अफोर्डेबल कैसे हो, क्योंकि क्या है कि ट्रैक्टर वो नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए उन्होंने पावर टिलर किया है। सर, अफोर्डेबल प्राइस की बात की तो मिनिमम प्राइस जो है वो क्या है अगर किसान कोई किर्लोस्कर का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो?
ऐसा है, हर स्टेट में उसका प्राइस अलग अलग आता है, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी बढ़ता है और सब्सिडी भी हर स्टेट में अलग अलग आती है। बट अंदाजा न्यूनतम प्राइस वाला जो प्रोडक्ट है वो 55,000 से लेके आगे आता है, और जैसे हॉर्स पावर बढ़ता है थोड़ा तो उसके हिसाब से उसके प्राइस भी बढ़ता है, लेकिन 55,000 से चालू होता है। सर, आपसे जानेंगे कि फ्यूचर प्लान क्या है किर्लोस्कर का, साथ ही में अवार्ड्स और अप्रिशिएशन भी बहुत मिले हैं किर्लोस्कर को, उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मिस्टर RR देश पांडे जी से, जिन्होंने हमें बताया कि अभी तक इन्होंने किर्लोस्कर के साथ मिलकर क्या क्या काम किया है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि इनको इनके कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स और अप्रिसिएशन मिले हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। सर, आप लोगों ने जो नए नए आविष्कार किए हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, अप्रिसिएशन मिले हैं, और एक अवार्ड जो है वो मैंने सुना है कि कई वर्षों से आपको उसकी तलाश थी, तो वो भी आपको हाल ही में मिला है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर, ऐसा है कि जब हम नए नए प्रोडक्ट के आविष्कार करते हैं तो उसका रिकग्निशन भी आना चाहिए करके हम पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पहला CII में पार्टिसिपेट किया कि इनोवेटिव प्रोडक्ट करके, तो हमारे पावर टिलर को 15 हॉर्स पावर के लिए CII का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला। फिर हमने इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, और जापान में हमको गुड डिज़ाइन अवार्ड मिला, बेस्ट डिज़ाइन अवार्ड जापान से मिलना बहुत मैं बोलूँ कि नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि जापान आज आप देखा जाए तो इनोवेटिव प्रोडक्ट में नंबर 1 पे है, पर जब वो भी कोई अवार्ड देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे अवार्ड, मैं बोलूँगा कि हमको रिसेंटली ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, जो नया डिज़ाइन हमने बनाया कि जहाँ किसानों के लिए बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग वो कर रहा है और अफोर्डेबल प्राइस में कर रहा है, तो वो भी मिला। और जो आप बोल रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स, हम 10 साल से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, CII एग्जिम बैंक बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड, ये जो होता है वो पूरा प्रोडक्ट के लिए नहीं है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये कंपनी के लिए प्रोडक्ट का जो कंपनी के लिए ये प्राइज़ है, और वो जो होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा अवार्ड आज के इंडियन इंडस्ट्री के लिए है। इस साल हमको 2019 का CII एग्जिम अवार्ड हमको मिला, और मैं खुश हूँ कि हमारे जो सब दोस्त लोग हैं, कलीग लोग हैं, हमारे जो सब कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने सब ने हमको जो कोऑपरेट किया, उन्होंने जो सब हमको मदद किया, उसकी वजह से ही हम अच्छा प्रोडक्ट ला सके, उनके अच्छा सर्विस दे सके, उसके हिसाब से ही हमको अवार्ड मिला है। जी सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपके प्रोडक्ट में या किर्लोस्कर के प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी है जो और कंपनियों के प्रोडक्ट से उसे अलग बनाती है? ऐसा है कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो पहला तो रोबस्ट होना चाहिए, उसका लाइफ अच्छा होना चाहिए, उसको कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट बोलते हैं हम, कि पूरे लाइफ में समझो 5 साल का लाइफ है, 10 साल का लाइफ है, उसमें उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो या डीजल का खपत हो वो सबसे कम होना चाहिए। ये हमारा यूनिक मैं बोलूँगा कि हमारा एक पॉइंट है जो कंपटीशन में नहीं होता है। जी सर, टोटल कितने प्रोडक्ट हैं किर्लोस्कर के, अगर हम एग्री मैकेनाइजेशन की बात करें तो किसानों के लिए टोटल कितने प्रोडक्ट हैं? अभी तो जो किसानों के लिए हम जो काम करते हैं, तो सालों साल आपने जो किर्लोस्कर का पंप सेट तो देखा है, जो 5 हॉर्स पावर से लेके हम 20 हॉर्स पावर को देते हैं, और ये 1946 से ये हमारा प्रोडक्ट आज भी चल रहा है, 50 साल 60 साल लोग यूज़ कर रहे हैं, और हमें गर्व है कि ऐसा प्रोडक्ट आज भी हमने बनाया है, और वो जो मेक इन इंडिया है, हमने इंडिया में बनाया है, तो ये पहला प्रोडक्ट है। और उसके बाद ये फार्म मैकेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये जो पावर टीलर बनाया है, पावर वीडर बनाया है, यूनिवेटर बनाया है, ग्रास कटर जो बनाया है, ये सब चीज़ें उसके लिए जो हमेशा लगने वाली चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, वो हमने उनके लिए बनाया है।
सर, हाल ही में आपके 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, यूनिवेटर और 2 और प्रोडक्ट, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि हमने रिसेंटली जो अभी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो 15 हॉर्स पावर है, 12 हॉर्स पावर है, पेट्रोल का हमारा वीडर है, और ये सब चीज़ें जो है ये नए नए रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के आते हैं उसके हिसाब से हमने लॉन्च किए हैं। सर, फ्यूचर प्लान क्या है किर्लोस्कर का किसानों को लेकर? जो मैंने विजन बोला उसके विजन के हिसाब से हमारा टीम आज भी किसानों के पास जाता है, उनसे बात करता है, और जब उनको पूछता है कि आप आगे आपको क्या चाहिए, तो ये जो स्विंग रहता है, जो जब बारिश कभी भी आता है, क्योंकि इट इज़ अनसर्टन, तो ये अनसर्टनटी बढ़ रहा है किसानों के लिए, तो उनके लिए छोटे टाइम में प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए उनके जितने रिक्वायरमेंट हो वो सब रिक्वायरमेंट में फार्म मैकेनाइजेशन हम बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उसके लिए हमारे R&D के सब इंजीनियर्स नए नए प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे, और वो जो हम बोल रहे हैं कि उनका लाइफ, उनका कंफर्ट बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। आप जैसे कि महाराष्ट्र बेस्ड हैं, तो मराठी में आप महाराष्ट्र के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रीन टीवी के माध्यम से? नमस्कार, महाराष्ट्रातल्या माझ्या शेतकरी बंधूंना माझा नमस्कार। असं आहे की या किर्लोस्कर ऑइल इंजिनच्या फार्म मेकॅनायझेशनच्या प्रॉडक्टविषयी बोलताना की आपल्या इथली जी वेगवेगळी जी पिकं आहेत त्या पिकांमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे ऊसासाठी काही लागलं, काही काम आपल्याला पडतं, तर ऊसासाठीसुद्धा आमच्या लोकांनी जे पॉवर विडर बनवलेले आहेत, पॉवर टिलर बनवलेले आहेत, हे आज आम्ही तुमच्याकडच्या जे काय गरजा आहेत या गरजा बघून त्याच्यावरती डिझाईन केलेले आहेत, मग ते ज्यावेळेला आम्ही प्रॉडक्ट तुमच्याकडे आणतो तुम्ही हे करता वापरून बघता, आणि मला एक आनंद वाटतो की आमच्या लोकांनी जे काम केलेलं आहे तुमच्या गरजा बघून, हे बरोबर तुम्हाला जे लागणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरच ते काम होतं, आणि आजपर्यंत अनेक लोक येऊन मला सांगतात की साहेब तुमचं प्रॉडक्ट अतिशय छान आहे, अजून काही नवीन करता येईल ते बघा, आणि म्हणून आम्ही दरवेळेला या लोकांबरोबर भेटत असतो, शेतकरी मेळावे घेत असतो, प्रदर्शनांमध्ये भाग घेत असतो, त्यांना दाखवत असतो की आपल्याकडे नवीन नवीन प्रॉडक्ट काय आहे आणि काय येणार आहे, की जेणेकरून, कारण शेवटी असं आहे ना, आमचा ग्राहक राजा आहे तुम्ही आहात, तुम्ही आमचे कस्टमर आहात, ग्राहक राजा आहे, ग्राहक राजाला काय पाहिजे हे शेवटी आम्ही ज्या वेळेला तुम्हाला देऊ त्याच वेळेला आमचं खरं काम आहे, खरं काम होईल, आणि जे नवीन नवीन प्रॉडक्ट आम्ही जे डेव्हलप करू, इनोव्हेट करू, ते सगळे आम्ही तुमच्यापाशी देऊ। हिंदी में यही चीज हम जानना चाहते हैं कि देश भर के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं किर्लोस्कर के माध्यम से? जो मैंने देखा है कि लोग खेती से शहर में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उधर हार्डशिप जो है वो बहुत है, बट लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो विजन है वो वही है कि आपके हार्डशिप्स कम हो, और वो हार्डशिप्स कम करने के लिए ही ये जो प्रोडक्ट है उससे आपके हार्डशिप कम हो जाएंगे, आपका कम्फर्ट लेवल बढ़ेगा। अगर हमने आपका प्रोडक्ट देखा है तो सीट पे बैठ के आपको पावर टिलर चलाना है, सीट पे बैठ के आपका फटीक कम होता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो नए नए जो प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आपका हम डेफिनेटली ख्याल करेंगे, और ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से आज जो शहर के ओर जो लोग भाग रहे हैं, किसान अच्छा काम करे, खेती करे, और हमारा प्रोडक्टिविटी खेती का बढ़ा है, इतना ही हमारा संदेश है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, किर्लोस्कर के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, साथ में अपनी लाइफ के बारे में भी इतना कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिलवाया किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मिस्टर RR देश पांडे जी से, जिन्होंने आपको हमारे ज़रिए अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, साथ ही में इनका विज़न क्या है और इनका मिशन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है किसानों को लेकर, ये सब कुछ साझा किया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।